हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के लेक्चर में हम सिलॉग्स को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ सिलॉग्स। तो हम लोग, आपने देखा कि 40-40 मिनट के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे काफ़ी बच्चों के द्वारा हमें अप्रिसिएशन मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सबको, उन सबको थैंक्स कहना चाहते हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप सबको ये चीज़ें पता चले कि हम चीज़ों को कितनी ईजिली कर सकते हैं। और अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, अगर आप हमारे लेक्चर देखो तो हम लोग बिना पेन लगाए आपको करने की चीज़ें सिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को देख के आपको आंसर करना होता है। तो आपको थोड़ा सा शार्प रहना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, चीज़ों के साथ साथ सीखना होगा आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं। जैसे आप धीरे धीरे हमारे साथ बेसिक से चलते जाओगे तो आप देखो, जैसे आपको हमारे पास चैप्टर पढ़ने के बाद ये आसान लगेगा, वैसे आपको पूरी चीज़ें आगे ईजी होती चली जाएंगी। हमने अभी तक जितना पढ़ाया इसमें आपको हर एक चीज़ में आपको तरीके से सिखाया, बेसिक से एडवांस तक लेके जा रहे हैं। बाकी बच्चों के साथ शेयर करो ताकि सबको पता चल सके कि इस तरह से चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा, जो पिछली क्लास में जो मिस्टेक है क्वेश्चन में हुआ था उसको हमने, मैं उसको करेक्शन कर देता हूँ। हमने इस चीज़ को नहीं देखा था, हमने सारे के सारे नन फॉलो किए थे क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। बट इसमें एक चीज़ ये थी, जो तीसरा स्टेटमेंट था इसमें आप देखो किस किस में रिलेशन पूछा है। मैंने आपको ये समझाया भी था कि अगर वो एक ही स्टेटमेंट से पूछता है तो उसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव देख के आंसर कर सकते हो, जो दोनों को मिलाना हो तब नेगेटिव नेगेटिव नहीं मिलते। बट देखो, आप ट्रेन्स और बस के बीच में पूछा है भाई, ट्रेन्स और बस, देखो ये सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल जाएगा, ठीक है, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकल जाएगा। क्या था? नो बसेस इज ट्रेन। नो बसेस मतलब बसेस 100 है, ठीक है, बस 100 है, और ट्रेन भी क्या है, नेगेटिव, तो ये भी 100, तो ये 100 100 है। नेगेटिव स्टेटमेंट से अगर इसी से कंक्लूजन निकालना होगा तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये लास्ट वाला कंक्लूजन नेगेटिव था। क्या था? नो टी इज बी, कोई भी ट्रेन बस नहीं है। तो नो ट्रेन मतलब 100 और बस भी मतलब 100, तो यहाँ पे दोनों ही 100 थे, तो 100 को 100 हम लिख सकते हैं, और नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन ये वाला इसको फॉलो करता था। एक्चुअली में जो आपको फोर्थ कंक्लूजन था, आपको ये करना था ओनली फोर्थ फॉलो। तो गाइज, अभी हम थोड़ा सा बेसिक जो पढ़ा था उसको रिविज़न करेंगे, देन आगे हम क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो एक बार हम रिविज़न कर लेते हैं, ठीक है, ये हम रिविज़न क्लास ले रहे हैं। चलो, रिवीजन में हमने अभी तक क्या सीखा? सबसे पहला हमने सीखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव, एक बात सीखी। दूसरा हमने सीखा कि 50 को 100 नहीं बना सकते और 100 को 50 बना सकते हैं। 100 50 लगाना कैसे है, ये हमने बहुत डिटेल में और अच्छे से सीख लिया। तीसरी बात हमने सीखी कि प्लस से प्लस का कंक्लूजन क्या आता है, पॉजिटिव। नेगेटिव से नेगेटिव का कंक्लूजन क्या आता है, नो कंक्लूजन। यहाँ भी आपको नेगेटिव से, ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट जोड़नी पड़े तो उसमें से कोई भी कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते। फिर हमने सीखा कि पॉजिटिव नेगेटिव हो तो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। फिर हमने सीखा अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, बीच में किसी की हेल्प लेके कंक्लूजन निकाला जाए इन दोनों का, तो वो अगर नेगेटिव हुई हेल्प लेने वाली तो कंक्लूजन भी नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ तक हमने ये बातें सीख ली थी, प्लस इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर रहे थे। सो गाइज, आज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके बेस पे आपकी सारी जितनी दो क्लासेस है वो रिवीजन हो जाएगी, देन उसके बाद हम आज इधर आर का केस भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको करके आना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिए थे, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप आपने प्रैक्टिस करा होगा। चलो क्वेश्चन देखो, 19 में क्या है, सम एच आर बी। तो गाइज, आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना है। हमने आपको पहले ही बोला था कि हम आपको हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, इवन कि आप JNK बैंक को छोड़ के आप सेंट्रल बैंक का भी कोई एग्ज़ाम दो, उसमें भी आपको ये चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चीज़ों को एक बार पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, ताकि आपकी सिलेक्शन लेनी है तो इसमें कोई भी आपकी परेशानी ना हो, ईजिली आपको सिलेक्शन मिल जाए, आपको पेपर में ज़्यादा डिफिकल्टी ना लगे। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे तो उसमें से आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक ही बार मेहनत करो, अच्छे से करो। हम चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ सिखाई जाए जो भी आपके पेपर में रेलिवेंट है और आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे, तो इन क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? सम हीरोज़ आर नॉट बॉयज़।
अब हीरोज़ और बॉयज़ का रिलेशन बनाना, ये हीरोज़ और बॉयज़ इन दोनों का रिलेशन बनाने के लिए मुझे पहले स्टेटमेंट कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। हीरो बॉयज का सॉरी हीरोज़ और बॉयज़ के लिए पहली स्टेटमेंट से निकल जाएगा ना, क्योंकि हीरोज़ और बॉयज़ पहली स्टेटमेंट में, तो एक ही स्टेटमेंट से रिजल्ट आएगा। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो कंक्लूजन क्या था, सम एच आर नॉट बी मतलब नेगेटिव नहीं बनेगा, सम जेड और नॉट एच तो सम जेड आर नॉट। अब ये जीरो से हीरो जाना है और कंक्लूजन क्या निकालना है, नेगेटिव। तो अब देखो एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना है, ये 100 ये भी 100, ये वाला 100 नो को देख के आया और नेगेटिव स्टेटमेंट था और ऑब्जेक्ट के साथ 100, दोनों 100 100 है तो रिजल्ट इसका नेगेटिव स्टेटमेंट थी, नेगेटिव ही निकलेगा। तो कंक्लूजन क्या था, नेगेटिव था तो नेगेटिव है तो बन सकता है, क्योंकि सम जेड 50 नॉट 100 तो 50 100 लिख सकता हूँ, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सम बी आर नॉट जेड, सम बॉयज़ आर नॉट जीरो। अब बॉयज़ का जीरो के साथ रिलेशन है, इसका मतलब पहले और दूसरे को मिला के बनाना है, तो पहले दूसरे को मिलाने के लिए हमें कंपैरिजन करना है, दोनों को कनेक्ट कैसे करना है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, हीरो जीरो, हीरो में ये पहला 50 है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट मिलेंगी, रिजल्ट मस्ट भी नेगेटिव आएगा, तो हीरो से हीरो कट जाएगा क्योंकि ये 150 कट जाएगा। मेरा कंक्लूजन क्या बना, बॉयज़ से जीरो क्या बना, सम बॉयज़ आर नॉट जीरो, सम बॉयज़ मतलब 50, सम बॉयज मतलब 50 और जीरो मतलब 100। तो क्या जीरो 100 है, यहाँ पे देखो बिल्कुल नो के साथ ये जीरो 100 ही है और ये बॉयज़ भी 100 था, मतलब बॉयज़ का 100 100 तो 50 बना सकते हैं, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव कंक्लूजन बिल्कुल हो सकता है। अगला देखो, नो बॉयज इज जीरो, नो बॉयज मतलब 100, जीरो मतलब 100 तो नो बॉयज, नो बॉयज मतलब 100 बना सकते हैं इसको और जीरो मतलब बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। अब देखो यहाँ से आपको देखना आना चाहिए कि आप क्या बना सकते हो, जब पहली दूसरी को मैंने कनेक्ट कराया हीरो से हीरो कट गया, मेरा कंक्लूजन क्या बना, अगर आप बॉयज टू जीरोज पढ़ते हो तो क्या आएगा इसका कंक्लूजन, ऑल बॉयज और नॉट जीरो, यही आया ना, क्योंकि ये नेगेटिव था ना तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया ये नेगेटिव कंक्लूजन बना दिया। अब मैं अगर जीरो टू बॉयज पढ़ो क्या लिख सकता हूँ, चेक करते हैं, यहाँ पे देखो बॉयज 100 100 तो यही था, दोनों 100 100 है तो 100 में दोनों साइड लिख सकते हैं। जैसे देखो अगर मैं जीरो से पढ़ूँ तो मेरा मतलब नो जीरोज आर बॉयज, तो जीरोज क्या है 100 तो बॉयज़ भी 100 क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव कंक्लूजन ये भी हो सकता है, तो ये दोनों रिजल्ट बन सकते थे, तो यही इसने पूछा था नो बॉयज इज जेड। तो यहाँ से देखो नो बॉयज इज जेड, इसी को मैं अगर लिख दूँ नो बॉयज इज जेड तो बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, नो बॉयज मतलब 100 जेड भी 100 तो नेगेटिव है बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ। किसको कैसे लिख सकते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि 50 कहीं गलती से 100 ना बने और नेगेटिव का पॉजिटिव ना बने। अब नेगेटिव का सब कुछ मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ तो ये आगे पीछे क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि 100 100 बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। तो ये थे क्वेश्चन, आज की क्लास हम आगे करते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। और आगे चलने के साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके साथ साथ आपने जितना भी पढ़ा वो सारा रिवीजन हो जाएगा, देन आज आपको ईदर आर और पॉसिबिलिटी के केस डिस्कस कर दिए जाएंगे आपके साथ। ये क्वेश्चन आपको घर से करके आना है, ठीक है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना, देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके आना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें सीखोगे, ये क्वेश्चन आपको घर से करके आना है, ठीक है 23 और 24। अब ये चार क्वेश्चन करने के बाद आज मैं आपको रिवीजन क्लास करवा रहा हूँ जिसके अंदर ये आपकी सारी की सारी रिवीजन हो जाएगी। ये आपके क्वेश्चन हैं जिसमें आपने अभी तक जितना पढ़ा इन क्वेश्चन के थ्रू वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, देन इसके बाद हम ईदर आर के केस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, ऑल ट्रेन्स आर बिंग्स नो कार्स आर ब्लू, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीन स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देखो क्या पूछा है, सम बींग्स आर रेंस, सम बींग्स मतलब पॉजिटिव, बींग्स और रेंस का रिलेशन बनाना आपको, बींग्स कहाँ पे पहला और रेंस, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट से ही पूरा कंक्लूजन पूछा हुआ है, फर्स्ट से ही पूछा हुआ है। तो क्या आप लिख सकते हो ऑल रेंस, रेंस मतलब 100 और बींग्स मतलब 50, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा तो ये 50 ये 50 तो 50 50 बना सकते हो, क्योंकि मैं रेंज को 50 तो लिख सकता हूँ और विंग्स ऑलरेडी 50 है। अगला देखो, सम ब्लूज आर कार, ब्लू और कार का रिलेशन इसी से निकलेगा एक ही स्टेटमेंट से, बट ये पूरी स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, तो कंक्लूजन भी इसका क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव, तो ये गलत हो गया। ऑल कार आर विंग्स, सारी की सारी कार्स क्या है, विंग है, इसका देखो इसी से निकला हुआ है कार और विंग्स, एक में एक ही स्टेटमेंट के अंदर ना इसी से रिजल्ट बनेगा, अगर इसी से रिजल्ट बनेगा तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन में नेगेटिव होना चाहिए, बट ये कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव, ये भी गलत। तो
तो ये था आपका एक ही स्टेटमेंट से करके जो हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था कि एक ही स्टेटमेंट से कैसे कंक्लूजन बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, वो इसी के बेस पे है। अब आपको क्या बनाना है, सम आर आर नॉट सी, सम आर मतलब सम रेंज और नॉट सी, रेंज बन गया आपका 50 और सी बन गया आपका 100, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में 100 आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपका 100 आ गया। अब देखो रेंज और कार के बीच में रिलेशन बनाना, ये देखो रेंज और दूसरे नंबर कार, क्या रेंज और कार को आप कनेक्ट कर सकते हो? चलो इसको छोड़ो, आप फर्स्ट और थर्ड को देखो, इसमें भी हो सकता है ना, ये रेंज और यहाँ पे कार, इन दोनों का रिलेशन बनाते हैं तो दोनों में कॉमन है कुछ, बिल्कुल बिंग्स बिंग्स के साथ कॉमन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कंक्लूजन क्या बनेगा, नेगेटिव। चलो मैं एक बार इसको रेज कर देता हूँ। चलो अब क्या है, रेंज आपका 50 है, कार्स 100 है और नेगेटिव है, तो अब रेंज और कार्स देखो किसमें इसमें है, पहले में रेंज है लेकिन दूसरे में कनेक्ट नहीं हो रहा। अब पहले और तीसरे को देख लो, रेंज से कार कनेक्ट करना है। अब दोनों कनेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक चीज़ कॉमन, कॉमन क्या है, विंग्स, विंग्स कॉमन है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100 तो कट जाएगा। बट आप देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव, यहाँ पे स्टेटमेंट नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलेगा रिजल्ट क्या बनेगा, नेगेटिव, तो रिजल्ट नेगेटिव है बिल्कुल। अब देखो सम रेंज आर कैर्स, रेंज कितना 100 है और कार्स क्या है आपकी नेगेटिव की वजह से 100, तो 100 100 से नेगेटिव कोई भी रिजल्ट बन जाएगा, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ये देखो सम सी आर नॉट ई आर, अब कार को रेंज ये भी बन सकता है क्योंकि सम मतलब 50 रेंज मतलब 100, तो दोनों 100 से कोई भी रिजल्ट निकल सकता है, ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। अब इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि दो स्टेटमेंट मिला के हम कैसे रिजल्ट बना सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नो डब्ल्यू इज बी, नो बिंग्स इज बी, तो बिंग्स क्या, नो मतलब 100 और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव में ये भी 100 आएगा, क्या बिंग्स और ब्लू को 100 100 लिख सकते हैं, देखते हैं। बिंग्स और ब्लू को आपको कनेक्ट करना है, बिंग्स और ब्लू जैसे फर्स्ट और दूसरे में है, हो सकता है लेकिन पहला दूसरा आपस में कनेक्ट नहीं हो सकता। चलो ये मैंने थोड़ा सा रेज कर दिया। अब देखो आपको बनाना है बिंग्स और कार्स में, ये विंग्स है और ये ब्लू, बिंग्स और ठीक है विंग्स और ब्लू के बीच में, बट आप देखो क्या विंग्स ब्लू को कनेक्ट कर सकते हो, करने के लिए मुझे कुछ कॉमन चाहिए, दोनों में कॉमन है कुछ नहीं है, इसलिए मुझे तीसरी स्टेटमेंट का ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें तीसरी स्टेटमेंट क्या है, अब विंग्स को ब्लू से मिलाने के लिए तो मुझे तीसरी स्टेटमेंट का सहारा लेना। अब देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, कुछ चीज़ काटनी है, जैसे कार से कार कट जाएगा क्या, ये 100 ये 100 बिल्कुल कट सकता है, बट आप देखो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं आपको। मैंने बिंग्स को ब्लू के साथ रिलेशन बनाना था बट दोनों में कॉमन नहीं था, जब दोनों में कॉमन ना हो तो कनेक्ट करने से पहले आप तीसरी स्टेटमेंट का इसमें हेल्प लेके देखो। मैंने तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प ली, मैंने देखा कि जो कॉमन है उसको काटते हैं। चलो मैंने देखा कार और कार दोनों में कॉमन था, फिर मैंने देखा 100 होना चाहिए, तो दोनों 100 थे बिल्कुल सही है, कट जाएंगे आपस में, बट मैंने जैसे ही देखा कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकती, नेगेटिव नेगेटिव कभी कंक्लूजन नहीं देगी, तो इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन आपस में नहीं मिल सकते, अगर ये नहीं मिल सकते तो ये भी कभी रिजल्ट नहीं बना पाएंगे, आपस में नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब इसमें नो कंक्लूजन आएगा, नो कंक्लूजन मतलब कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पे भी बिंग्स और ब्लू का रिलेशन पूछेगा, तो इसमें क्या सम बिंग्स आर नॉट बी, ठीक है सम ब्लू, इसमें भी बिंग्स और ब्लू का पूछा, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये कंक्लूजन गलत क्यों हुए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट जब मुझे ब्लू और बिंग्स का कंक्लूजन निकालना था तो ये दो स्टेटमेंट से निकलना था, बट दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प की जरूरत थी, बट जैसे ही मैंने तीसरी को देखा तो तीसरी और दूसरी कनेक्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव कभी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती, सो गाइस ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ऑल आर आर बी, मतलब ऑल रेंज आर ब्लू, अब रेंज और ब्लू का रिलेशन बनाना है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव ये नेगेटिव, पहले ही मैंने देखा पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी हो चाहे आप किसी की हेल्प लेके बनाओ लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का हमेशा नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। नो रेन इज ब्लू, देखो नो रेन इज ब्लू, अब रेन और ब्लू का बनाना आपको, ठीक है चलो नो रेन इज ब्लू, अब देखो रेंज और ब्लू का बनाना, दोनों में कॉमन है कुछ नहीं है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है रेंज को ब्लू के साथ मिलाने के लिए आपको कुछ कॉमन चाहिए, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प लूँगा, जैसे तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प लूँगा तो फिर मैं देखूँगा दूसरी तीसरी कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि दोनों में नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये भी मेरा आर रेन के साथ ब्लू नहीं जुड़ सकता, ये भी गलत हो गया। अगला देखो सम बीज आर नॉट आर, अब ब्लू और रेंज का फिर से नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि अगर मुझे इन दोनों का कंक्लूजन बनाना है, ब्लू का रेन के साथ बनाना है, इसके लिए मुझे
तीसरी स्टेटमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने जैसे तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प ली तो इसके अंदर क्या था, कार कार तो कॉमन था, कार कार कट भी जाता, बट कटने से पहले मैंने देखा दोनों ही नेगेटिव, तो ये दोनों ही नहीं मिलेंगे। जब दोनों नहीं मिलेंगे तो ये आपस में नहीं कटेगा, इसलिए रेंस और ब्लू आप सिर्फ रेंस और ब्लू अकेले दोनों नहीं बचेंगे, बाकी कटने से पहले बाकी चीज़ें कटनी चाहिए थी, तो इसमें कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसमें तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो ये था आपका अभी तक आपने जो भी पढ़ा कि एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसे निकलता है, दो को मिलाने से कैसे निकलता है, दो को मिलाने से जब तीसरे की हेल्प लेके करना पड़े कैसे निकलता है, दो नेगेटिव नेगेटिव आपस में नहीं मिलती। तो अब तक आपने ये पढ़ा था, ये सारा कुछ रिविजन हो गया। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ईदर आर का केस, ठीक है, ईदर आर कहाँ लगता है। तो ये है कुछ ईदर आर के केसेस। आपको ईदर आर में स्पेशल कुछ नहीं करना, आपने जो अभी तक पढ़ा सब कुछ वही है, सिर्फ आपको ऑप्शन देखना है कि अगर ईदर आर ऑप्शन में दिया है और ईदर आर किस किस में दिया है। मान लो उसने बोल दिया कि सेकंड ईदर सेकंड और थर्ड, आपने देखा कि क्या सेकंड थर्ड में ईदर आर लग सकता है, अगर लग गया तो आंसर ईदर आर में लगाओगे, अदरवाइज नन फॉलो। कंडीशन क्या है ईदर आर की, सबसे पहले आपने आपको देखना बॉथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों की दोनों जो कंक्लूजन होंगे ईदर आर के केस में, जिन दोनों केसेस के अंदर आप ईदर आर लगा रहे हो, जिन भी दो ऑप्शनों में फर्स्ट और सेकंड जो भी दो होंगे, उन दोनों के बीच में दोनों की दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। अगर एक भी सही आ गया तो कोई उसमें ईदर आर नहीं लगेगा, दोनों गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम, आपके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ ऑल ए आर बी, सम ए और नॉट बी, ठीक है, चलो इसको एक बार साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपके पास दो हैं, मैंने बोला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे पहले नंबर पे ए है, ये इसका सब्जेक्ट है, तो दूसरे के अंदर भी सब्जेक्ट ए ही होना चाहिए। अगर आप पहले बी लिख देते हो, ए बाद में लिख देते हो, तो वो दोनों के बीच में ईदर आर नहीं लगेगा। बट कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी को ऐसे लिख देगा, जैसे पहली स्टेटमेंट को ऐसे लिख देगा सम बी आर ए, तो इन दोनों में भी ईदर आर लगेगा क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को मैं आपस में चेंज कर सकता हूँ, और कुछ मैं चेंज नहीं कर सकता, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा क्वेश्चन से पहले कि किस किस को आप चेंज कर सकते हो। चेंज जैसे यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव, यहाँ पे 50 50, तो इसी को मैं बी को इधर लिख दूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इसमें। ये एक ही बात है, मैं बोलूँगा कि कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, एक ही तो बात है, कुछ ए बी हैं या बी का कुछ पार्ट ए है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि 50 का 100 नहीं बनना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे भी लिख के देगा तो इसका मतलब ही आप समझोगे ये सब्जेक्ट दोनों में सेम है, क्योंकि ए को मैं इधर और बी को उधर लिख सकता हूँ। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तीसरी बात मैंने बोली, वन शुड बी नेगेटिव एंड अदर शुड बी पॉजिटिव, दोनों स्टेटमेंट में एक दोनों कंक्लूजन में एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। ये तीनों कंडीशनें आपको चेक करनी है, अगर तीनों कंडीशनें दोनों ऑप्शन में हैं तो उसमें ईदर आर लग जाएगा। देखो देखने में कितना टाइम लगता है, जब आप सॉल्व किया होगा तो आपके कंक्लूजन तो पता चल गया होगा ना कि रॉन्ग आए हैं दोनों। फिर आपने देखा कि ईदर आर पूछ रहा है पहले दूसरे में, उसमें देखो दोनों गलत आए हैं बिल्कुल सही। फिर देखो दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, अगर नहीं है क्या सेम बना सकता हूँ, बन गए तो हो सकता है। तीसरा मतलब एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। बट एक छोटा सा आपको एक्सेप्शन याद रखना है, ये एक्सेप्शन क्या है, इस एक्सेप्शन के अंदर ये लिखा है कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती ऑल और नो के केस में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर एक इंक्लूजन में ऑल ए आर बी लिखा है और दूसरे में लिखा है नो ए आर बी, तो इनमें भी आप पॉसिबिलिटी नहीं लगाओगे, क्योंकि सारे के सारे ए बी होंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ए बी नहीं होगा। अगर ऑल और नो में, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती। अगर गलत है तो दोनों गलत, सही है तो दोनों सही करोगे आप, ठीक है गाइस। तो ये थे आपके ईदर आर के केस। अब इसको इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपका ये क्लियर हो जाएगा ईदर आर का केस, ठीक है। ईदर आर में क्या होता है, इसके बेस पे हम 5-7 क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए पहली बात, दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए, तीसरा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए स्टेटमेंट, और एक्सेप्शन क्या है आपका, एक्सेप्शन ये है कि आपका ऑल और नो वाले स्टेटमेंट में दोनों के अंदर अगर ईदर आर लगाना पड़े तो नहीं लगेगा। तो ये छोटी सी बात है जो आपको ईदर आर में याद रखनी है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है,
सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, वैसे ही क्वेश्चन करते आओगे। अब बस आपको क्वेश्चन के अंदर ईदर आर बी ऑप्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो देख के कि कंक्लूजन कौन सा आ रहा है। जैसे इसके बेस में हम सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, देखो, सम ड्यूज आर कार्बन एंड ऑल एप्पल्स आर हैप्पी, नो एप्पल इज कार्बन, ठीक है, नो एप्पल इज कार्बन। तो ये तीन स्टेटमेंट है, इसके बेस पे कंक्लूजन है। सबसे पहले तो मैं कंक्लूजन निकालता हूँ, सम ड्यूज आर हैप्पी, देखो ड्यूज और हैप्पी का रिलेशन, ड्यूज और हैप्पी पहले दूसरे को मिलाना पड़ेगा, क्या दोनों को मिला सकते हैं, देखते हैं, दोनों में कार्बन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब देखो और किस में आता है, अब देखो ड्यूज और ड्यूज को आपको मिलाना हैप्पी के साथ, तो नहीं मिल रहा ना, तो अब आप क्या करोगे, दोनों को स्टेटमेंट मिलाने के लिए मुझे तीसरी स्टेटमेंट का ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे अब मैं देखता हूँ एप्पल, एप्पल दोनों में कॉमन है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव ये नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगी, तो एप्पल से एप्पल कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एप्पल 100 है और ये भी 100 है, 100 कट जाता है। अब देखो अगर मैं इसको पहले और तीसरे को कनेक्ट करूँगी, पहले और तीसरे में देखो कार्बन कार्बन कॉमन है दोनों में, अब इसमें कार्बन क्या है 50, इसमें कार्बन क्या है 100, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट क्या होता है 100, तो कार्बन कार्बन कट जाएगा। मेरा कंक्लूजन क्या बना, सम ड्यूज आर हैप्पी, बिल्कुल दोनों में रिलेशन आ रहा है, तो कंक्लूजन क्या पूछा था, सम ड्यूज आर हैप्पी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये 50 और ये भी 50। बट यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको एक केस बताया था, पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव कंक्लूजन, कंक्लूजन तो पॉजिटिव होगा, बट एक केस में अगर आप किसी की हेल्प लेके निकाल रहे हो, अगर तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प ले रहे हो और ये नेगेटिव हुआ स्टेटमेंट, तो आपका कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेम देखो मुझे क्या निकालना था, ड्यूज और हैप्पी का रिलेशन बनाना था, इन दोनों स्टेटमेंट में क्या है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मेरे हिसाब से कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये दोनों स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकला, मुझे तीसरी स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ा। जैसे मैंने तीसरी स्टेटमेंट को यूज़ करा, इट मीन्स कि ये नेगेटिव था तो कंक्लूजन भी नेगेटिव बनेगा, तो ये कंक्लूजन पहला मेरा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। अगर आप दो स्टेटमेंट मिला रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कंक्लूजन पॉजिटिव बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर दोनों स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको तीसरी स्टेटमेंट का हेल्प लेना पड़े, तो आपको अगर देखना है कि तीसरी स्टेटमेंट क्या नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी इन दोनों का भी नेगेटिव बन जाएगा, अगर तीसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होती तो कोई इशू नहीं था, आंसर भी पॉजिटिव आता, तो पहला कंक्लूजन क्यों गलत हुआ, क्योंकि नेगेटिव का सहारा लेके रिजल्ट पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव बनना था। अगला देखो, नो डी इज एच, नो ड्यूज एच, अब ड्यू और एच का रिलेशन बनाने के लिए मैंने बना लिया, क्योंकि सब कुछ कट गया, बिल्कुल बन सकता, अब देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, नो ड्यू इज एच, नो ड्यू का मतलब ड्यूज को आपको 100 बनाना पड़ेगा, क्या ड्यूज यहाँ पे है कितना, सम ड्यूज मतलब 50, तो 50 को 100 नहीं बना सकते, ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। तीसरा देखो, सम सी आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी, सम सी ओ डी, देखो सी ओ डी मतलब सम कार्बन आर नॉट डी, कार्बन और नॉट डी का अगर मैं देखूं तो वो कहां से निकला हुआ है, ये आपका पहली स्टेटमेंट से निकाला गया है, क्योंकि कार्बन और ड्यू दोनों ही पहली में है, तो पहली में देखो क्या सम कार्बन आर नॉट डी लिख सकते हो, भाई पहली स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, इसका कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव, तो ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी गलत हो गया। देखो अभी तक आप जो कर रहे हो, आपने जो दो क्लासेस के अंदर सीखा है, मैं उसी को कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव नेगेटिव देख रहा हूँ, एक 50-100 से ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसके बिना जो तीसरी बात बीच में ऐड कर रहा हूँ वो क्या है कि दो स्टेटमेंट या दो से ज़्यादा मिलाने के बाद कंक्लूजन कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसी के बेस पे मैं कर रहा हूँ, यही है बस पूरा पूरा आपका सिलॉग्स। अब मैंने देखा कि मेरी तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या आ रही हैं, मेरी तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत आ रही हैं। अगर आपकी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं तो अब देखो आप इधर आर कैसे लगाओगे, अब इसके मैं ऑप्शन एक बार आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, इसके ऑप्शन क्या क्या होंगे, तो ये आपके पास कंक्लूजन है, इसके ये ऑप्शन है। अब मैंने जैसे क्वेश्चन देखा, मैंने देखा सारे के सारे रॉन्ग हैं, और बच्चे यहाँ पे क्या गलती करके आएंगे, वो देखेंगे सारे गलत हैं, वो नन को आंसर लगा के आएंगे। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी ऑप्शन के अंदर आपको ईदर आर दिख जाए, ईदर और अगर दिख जाता है, तो ईदर और को देखते ही आपको पहले इसको श्योर करना है क्या कहीं गलती से इसमें ईदर आर तो नहीं लग रहा। अब आपको पहले और दूसरे स्टेटमेंट में ईदर आर लगाना है, देख लो पहली और दूसरी में ईदर आर लगता है कि नहीं, पहली क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने बोला था कि ईदर आर तब लगता है जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, मेरी पहली और दूसरी दोनों गलत थी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन मैंने बोला था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट ड्यूज है, यहाँ पे सब्जेक्ट ड्यूज है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, हैप्पी हैप्पी,
ये दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे ड्यूज है तो यहाँ पे भी ड्यूज ही होना चाहिए, अगर हैप्पी है तो यहाँ पे कार्बन नहीं ले सकते, अगर कार्बन होता तो फिर तो इसका इधर लगता ही नहीं, इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट भी सही होगी। तीसरी मैंने बोला था दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहली स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव, दूसरी क्या है नेगेटिव, इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। और इसमें केस कौन सा है, एक सम नो का, मैंने बोला था सिर्फ ऑल और नो दोनों में पॉसिबिलिटी, इसमें इधर आर नहीं लगता, अदरवाइज ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने से इधर आर लग जाता है, इसका मतलब इन दोनों में इधर आर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हैं, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो इसमें इधर आर लगेगा, मेरा ऑप्शन पहला आंसर होगा। ये था आपका इधर आर का केस। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन करने हैं 5-7 जो मैं अगली स्लाइड पे आपको दे रहा हूँ। चलो इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, देन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। ये क्वेश्चन है, चलो सबसे पहला देखो कंक्लूजन क्या है, सम डी आर सी, तो डी सी मतलब डॉग्स और कैट्स का लिस्ट बनाना है, तो दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो कनेक्ट होती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट कनेक्ट हो जाएंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, रेड 50 यहाँ पे 50, अब दोनों के आपस में कटेंगे नहीं कटेंगे, क्योंकि ये भी 50-50, दोनों में एटलीस्ट एक का 100 होना जरूरी था, इसका मतलब दोनों की मिला के मुझे नो कंक्लूजन मिलेगा, कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, अगर दोनों से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा तो डॉग और कैट्स का भी कोई रिजल्ट नहीं बना सकते, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि डॉग और कैट का कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो दोनों गलत हो गए। अब दोनों गलत होने का मतलब क्या इधर आर लग सकता है, देखूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा नन फॉलो करूंगा, और अगर इधर आर लगा तो इधर फर्स्ट और सेकंड, तो ऐसे लगाऊंगा। अब देखो इधर आर लगाने के लिए एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक सॉरी एक कंक्लूजन पॉजिटिव एक कंक्लूजन नेगेटिव, पहली एक कंडीशन पूरी होगी। दूसरी कंडीशन क्या बोली मैंने कि दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए कंक्लूजन, तो दोनों कंक्लूजन भी गलत हैं। तीसरा मैंने बोला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, पहले नंबर पे डी है फिर सी है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम सेम है, मतलब यहाँ पे भी डॉग्स और कैट्स की बात हो रही है और इसमें भी डॉग्स और कैट्स की बात हो रही है, प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे पहले नंबर सी है सब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट पे क्या है पहले सब्जेक्ट पे डी है और ऑब्जेक्ट पे सी है, यहाँ भी सब्जेक्ट डी है और ऑब्जेक्ट सी है, तो तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब इधर आर इसमें लग जाएगा, इधर आर तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होने के बाद लग जाता है, इधर फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर होगा। इधर आर किस में नहीं लगता, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑल और नो के केस में इधर आर नहीं लगता। अगला क्वेश्चन देखो, नो डी सी, अब डॉग और कैट का फिर रिलेशन बनाना है, भाई डॉग और कैट का रिलेशन के लिए बनाने के लिए अभी मैंने पढ़ा कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये भी गलत ये भी गलत। अब बारी आती है इधर आर, क्या इधर आर लगा सकते हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम, दोनों गलत बिल्कुल सही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इधर आर इसमें लग जाएगा। इधर आर किस में नहीं लगता, जब ऑल नो आएगा तब नहीं लगेगा, अदरवाइज अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई तो इधर आर लग जाएगा। आपको बस ऑप्शन देखना है कि क्या इधर आर का दिया है, और इधर आर में देखो किस किस में पूछ रहा है, वो कंक्लूजन पहले दूसरे में दूसरे तीसरे में चौथे पांचवें जितने भी कंक्लूजन हो गए उसके बेस पे आपको चेक करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4th, अब क्या है डी और सी का रिलेशन बनाना, डॉग और कैट फिर वही रिलेशन है, तो इसका मतलब रिलेशन तो नहीं बनेंगे, क्या इधर आर लगा सकते हो, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि इधर आर यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों अभी आपको समझाया, अभी आपको ये बात मैंने समझा के आया हूँ जस्ट 2 सेकंड पहले कि ऑल और नो के केस में मैंने एक्सेप्शन बताया था, आप चेक भी कर सकते हो, मैंने ये आपको ये वाला एक्सेप्शन भी बताया था कि इसमें ऑल और नो के केस में इधर आर नहीं लगता, तो सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पे इधर आर नहीं लगेगा, मैं बोलूँगा नन फॉलो, दोनों फॉलो नहीं करते। अब देखो अगला क्वेश्चन, फिर डॉग और कैट का है, गलत गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डॉग और कैट में यहाँ मैं कोई रिलेशन नहीं बना सकता। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें इधर आर आपको बनाना पड़ेगा, कुछ बच्चे इसमें बोलेंगे कि कोई भी फॉलो नहीं करता, बट इसमें इधर आर लग जाएगा, कैसे लगेगा अब ध्यान से देखना, ऑल डी आर सी, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के सेम है, क्योंकि दोनों कंक्लूजन गलत आ रहे हैं, दो कंडीशनें पूरी होगी। तीसरी क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, इसका सब्जेक्ट क्या है डॉग्स, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कैट, इसका सब्जेक्ट क्या है कैट, देखो ये उल्टा हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, अगर तो या तो आप इसको डी को इधर लिख सकते हो तो लिख दो तो भी बात बन जाएगी, या ऊपर वाले को चेंज करो, क्या इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम बना सकते हो, भाई जो ऑल वाली स्टेटमेंट है ना, अब आप देखो किस किस को चेंज कर सकते हो, जैसे मैं बोलूँ ना, अगर आपको बोलूँ मैं सम डी आर सी, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता सम सी आर डी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, पॉजिटिव है ये 50-50, तो इधर उधर लिख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहीं पे मैं बोलूँ सम
ए और नॉट बी, क्या मैं यहाँ से ये बना सकता हूँ सम बी आर नॉट ए, क्या बना सकता हूँ भाई? नहीं बना सकता, क्योंकि ये ए क्या था यहाँ पे 50 था, यहाँ पे मैंने ए क्या कर दिया 100 बना दिया, तो इसको आप इसके बराबर नहीं लिख सकते, तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। इसका अगर ऐसा होता तो मैं इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता था, बट इसमें नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ए को मैं 100 नहीं बना सकता, ठीक है, बी को तो 100 को 50 बना दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट नहीं कर सकता था। अब यहीं पे देखो, यहाँ पे क्या मैं इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता हूँ? अगर मैं ये वाला डी उठा के इधर लेके आता हूँ तो ये डी तो 100 रहेगा, ठीक है, ये 100 का 50 बन जाएगा, सम की जगह आएगा। जैसे ये सी उठ के डी की जगह आएगा तो यहाँ पे सी आएगा, तो नॉट के अकॉर्डिंग ये 100 आ जाएगा, तो 100 इसको नहीं लिख सकता। इसका मतलब इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं चेंज नहीं कर सकता, फिलहाल यहीं रखेंगे। क्या इसको कर सकते हो भाई? इसको भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सी क्या है 50, जैसे सी उठ के इधर आएगा तो ये बन जाएगा 100, 50 को 100 नहीं बना सकता। इसका मतलब दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं चेंज नहीं कर सकता, और दोनों का स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है, इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट डी है, इसका सब्जेक्ट सी है, तो इसलिए इसमें इधर आर नहीं लगेगा, इसमें बोलूँगा नन फॉलो, ठीक है, इसमें नन फॉलो आएगा। दोबारा से मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि आपको ऐसे कन्फ्यूज़ करने के लिए वो इधर आर में क्या करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करके दे देगा, बट आपको देखना क्या मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता हूँ। आप इतनी सी बात याद रखना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ इसके केस में चेंज होता है, सम डी या सी, वो भी पॉजिटिव वाले में, डी को सी, सी को डी लिख सकते हैं, ना तो वो सम नॉट वाले में चेंज होगा, ना ऑल वाले में चेंज होगा, ठीक है। जैसे ऑल ये वाला नहीं चेंज हुआ ना, क्योंकि ऑल वाले में जब सी इधर उठ के आएगा तो ये 100 हो जाएगा, अब सी तो 50 या 50 को 100 नहीं कर सकता, इसका सब्जेक्ट मैं चेंज नहीं कर सकता। तो सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किस में करेगा वो कन्फ्यूज क्वेश्चन में, वो आपको सिर्फ सम वाली स्टेटमेंट में, वो भी पॉजिटिव वाले में कन्फ्यूज करेगा कि सी को इधर लिख देगा, डी को इधर लिख देगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो अगला, अब फिर सी और डी का रिलेशन है, ये भी गलत, ये भी गलत, क्या इसमें इधर आर लगेगा? चेक करते हैं भाई, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है डी, यहाँ सब्जेक्ट क्या है सी, तो दोनों को देखो, दोनों स्टेटमेंट गलत, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, तीसरी कंडीशन क्या थी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या इसमें चेंज है? सेम है इसमें भाई, इसमें इधर आर लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि ये वाला सी अगर मैं इसको इधर ऐसे लिख दूँ, इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख दूँ, सम सी और डी, कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ। मैंने आपको अभी समझाया कि ये स्टेटमेंट है जिसको आप चेंज कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह मैं इसको जैसे ऐसे लिखा तो मेरा ये दोनों में कंक्लूजन बन गया, देखो सब्जेक्ट सेम हो गए, डी डी सी सी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों ही गलत आ रहे थे, इसका मतलब इसमें लगेगा इधर फर्स्ट और सेकेंड। तो इधर आर में कुछ स्पेशल नहीं करना, वही करना जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, कंक्लूजन वैसे ही फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखो डी और सी में देखा, ये गलत ये गलत, क्योंकि डी और सी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, और सी और आर में चेक कर लो, क्या सी और आर में रिलेशन बनेगा? सी और आर, हाँ ये सी और आर क्या है, ये एक ही स्टेटमेंट से निकल जाएगा ना, तो सम रैट्स आर कैट्स है, तो कैट्स को इधर लिख दो, सम कैट्स आर रैट्स बन सकता है, कि ये क्या है, सम कैट्स आर रैट, तो ये बिल्कुल सही है, ये फॉलो करेगा एक। उसके बाद देखो नो सी इज डी, सी और डी में बन सकता है क्या? कैट और डॉग में नहीं बन सकता रिलेशन, इसका मतलब दूसरे वाली फॉलो कर रही है। बट आप देखो कहीं गलती से पहली और तीसरे में इधर आर तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो फॉलो कर रही है, ये मुझे पता चल गया, सम सी आर और सम कैट्स आर रेड, तो ये इससे निकल गया दूसरी से, बट ये दोनों गलत आ रहे हैं। मैंने देखा कि पहली और तीसरी में क्या इधर आर लगेगा, मैंने जैसे ऑप्शन चेक करा इसमें बोला था सेकंड फॉलो एंड इधर फर्स्ट आर थर्ड, ये भी फॉलो होगा, तो मैंने देखा इधर क्या इधर लग सकता है, देख लेते हैं भाई। दोनों के एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहली कंडीशन पूरी हुई, दोनों स्टेटमेंट गलत आ रही कंक्लूजन, दूसरी पूरी हुई, तीसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो भाई इसका सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे डी है, तो इसका मतलब मैं सी को इधर लिख सकता हूँ भाई, इसमें बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव स्टेटमेंट में यहाँ बताया मैंने इसी को चेंज कर सकता हूँ, तो अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गया, तो अब मैं इन दोनों में भी इधर लगा सकता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? ओनली सेकेंड एंड इधर फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, ओनली सेकेंड इधर फर्स्ट और थर्ड, मतलब इसमें दूसरी भी फॉलो करेगी और तीसरी और पहली में इधर वाले में दोनों में कोई एक फॉलो करेगी, वो मुझे फिलहाल नहीं पता कि वो कौन सी फॉलो करेगी।
ठीक है गाइज। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको घर से करके आना है, ये वाला क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट के आधार पे है। सी और डी का रिलेशन नहीं बन सकता, डी और सी का रिलेशन नहीं बन सकता क्योंकि डॉग और कैट का। अब क्या इसमें इधर आर लगा सकते हो, ये आप घर से मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या इसमें इधर आर लगेगा कि नहीं लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये था आपका इधर आर का केस जो अभी हमने आपको क्वेश्चन के थ्रू प्लस आपको कंसेप्ट के थ्रू हमने पढ़ा दिया। अब आगे बारी आती है पॉसिबिलिटी की। तो गाइज पॉसिबिलिटी में क्या करना होता है, तो पॉसिबिलिटी के अंदर आपने अभी तक जो पढ़ा है उन सब का इम्प्लीमेंटेशन होगा, बट पॉसिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। अभी 5-7 मिनट हैं, सो 5-7 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा उसका बेसिक पढ़ा दूँ कि पॉसिबिलिटी किस में लगती है, बाकी क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आई होप आपको इधर आर का केस समझ आ गया होगा। इधर आर में आपको कुछ नहीं करना, जो आपने पढ़ा वही इम्प्लीमेंट करना, बस ऑप्शन में चेक करना है कि दोनों में इधर आर लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो करने का तरीका क्या है, स्टेटमेंट दोनों गलत हैं तो ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ठीक है, सब्जेक्टिव वैसे सेम है तो ठीक है, तो इधर आर लग जाएगा। चलो आज की क्लास हम इसी इधर आर के साथ ख़त्म कर रहे हैं। सो आई होप आपको क्लास समझ आ गई होगी, जो मैंने क्वेश्चन दिए वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। देन अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।